सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को टीम में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। आपको हार के सभी कारण बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या पहले टी20 मैच में रोहित शर्मा को खिलाना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज भारतीय टीम की हार के साथ हुआ है। आपको बता दें कि सीरीज के पहले टी20 मैच की शुरुआत इंग्लैंड की टीम के कप्तान इयान मॉर्गन के टॉस जीतने के साथ हुई। टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम का फैसला पहले गेंदबाजी का था और यह फैसला आज शुरुआत से ही पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम रहा। आपको बता दें कि इंग्लैंड के टॉस जीतने के बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो बैक टू बैक शुरुआती दौर में ही हमारे बड़े विकेट्स गिर गए थे। आपको बता दें कि केएल राहुल, विराट कोहली व शिखर धवन अपनी टीम के लिए 5 ओवर पूरे होने से पहले ही विकेट गंवा बैठे थे। इसी बीच ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेलनी चाही, लेकिन उनकी पारी एक छोटी पारी में तब्दील होकर रह गई। 21 रन लगाकर पंत भी अपना विकेट गंवा बैठे और इसके बाद बल्लेबाजी का सारा दारोमदार श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ गया था। और इसी बीच श्रेयस अय्यर ने अपना 50 चढ़कर भारतीय टीम को वो सपोर्ट दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। पांड्या ने भी खूब चौके और छक्के जड़े, लेकिन वो भी अपनी पारी को एक बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे। और फिर पांड्या के 19 रन व श्रेयस अय्यर के 67 रन की बदौलत भारतीय टीम जैसे तैसे अपने विकेट गंवा कर 124 तक पहुँची। दोस्तों भारतीय टीम के जिस तरीके से 7 विकेट गिरे थे उसको देख कर ऐसा लग रहा था की 125 के टारगेट को शायद डिफेंड करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन फिर इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी मैदान पर आए और ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई कि लग रहा था कि वह 10 विकेट से जीतेंगे। और इसी बीच हमें इंग्लैंड की टीम के खिलाफ एक सफलता भी मिली, लेकिन जेसन रॉय की शानदार व तूफानी बल्लेबाजी के बलबूते पर इंग्लैंड की टीम बड़ी आसानी से जीत गई। परंतु भारतीय टीम की शर्मनाक हार के 5 बड़े कारण रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन से कारण थे। दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण रहा रोहित शर्मा को न खिलाना। हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा टी20 के बादशाह हैं। भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ओपनर को न खिलाना आज विराट कोहली की टीम को भारी पड़ा है। ऐसी बात है दोस्तों की अगर रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम से बाहर बैठेंगे तो इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों का सामना कौन करेगा। विराट कोहली को अपने फैसले पर अफसोस जरूर हो, लेकिन यही हार का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों दूसरा और एक और बड़ा कारण बना टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना। किसी भी टीम की बल्लेबाजी की बुनियाद को उसका टॉप ऑर्डर रखता है, और यहाँ पर तो केएल राहुल के बाद विराट कोहली और फिर शिखर धवन कुछ खास कर ही नहीं पाए थे। दोस्तों तीसरा और एक और बड़ा कारण रहा हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत का तूफानी बल्लेबाजी ना करना। दोस्तों ऐसे मौके पर जहां टीम लगभग सब कुछ खो चुकी हो तब ऐसे बल्लेबाजों से आप तूफानी पारियां एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आज पांड्या 19 रन और वहीं ऋषभ पंत तो 21 रन पर ही आउट हो गए थे, जिसके चलते अंतिम ओवर्स में हम ज्यादा रन नहीं लगा सके और भारतीय टीम 124 पर ही सिमट कर रह गई। दोस्तों अगर चौथे कारण की बात करी जाए तो वह बनी भारत की गेंदबाजी। 125 रनों का लक्ष्य कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन आप संघर्ष कर सकते हैं इस लक्ष्य को बचाने के लिए, और ऐसा कोई फाइट बैक भारतीय गेंदबाजों द्वारा नजर नहीं आया। शुरुआती ओवर्स में विकेट ना मिलना इंग्लैंड की टीम की असली ताकत बन गया और देखते ही देखते बल्लेबाज हमें हराते हुए चले गए। अब दोस्तों पांचवें बड़े कारण की बात करें तो वो था भारतीय टीम का पहले से ही हार मान लेना। दोस्तों जल्दी विकेट्स गिरने के बाद खिलाड़ियों पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि ना तो ज्यादा रन लग सके, और कम लक्ष्य के बोर्ड पर होने से भारतीय गेंदबाज भी इसी प्रेशर को ले गए। तो वहीं दोस्तों पांचवा और एक और हार का बड़ा कारण बना अंपायर का गलत फैसला। आपको बता दें कि यह टेस्ट सीरीज से चलता आ रहा है कि अंपायर्स कॉल की वजह से भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम के सबसे बड़े विकेट नहीं ले पा रही। 5वें ओवर में भी हमने जॉस बटलर का विकेट ले ही लिया था, लेकिन अंपायर्स कॉल की वजह से यह विकेट भी भारतीय टीम के हाथ से चला गया, जिससे कि भारतीय टीम के गेंदबाजों का मोरल डाउन हुआ और हमारी टीम की हार का सफर भी शुरू हो चुका था। तो आपके नजरिए में वह कौन सा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी टीम हारी, इसका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत कुछ ऐसी रही जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। परंतु दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पहले टी20 मैच में रोहित शर्मा को खिलाना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भारतीय फैंस को तगड़ा झटका देते हुए पहले टी20 से ही रोहित शर्मा को बाहर कर दिया था। आपको बता दें कि टॉस के दौरान ही विराट कोहली ने इस बात का खुलासा किया और प्लेइंग 11 भी ऐलान किया। हालांकि इसी बीच इंग्लैंड की टीम के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीता और अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी का भी फैसला किया, और भारतीय टीम जो मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी उसकी शुरुआत इतनी ज्यादा खराब रही कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों क्योंकि रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं थे तो सलामी जोड़ी का सारा भार था केएल राहुल और धवन के कंधों पर, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी शानदार रफ्तार से केएल राहुल को तो 1 रन पर
पर आउट करके सारा प्रेशर भारत के कंधों पर ला दिया, जिसके बाद अब धवन का साथ देने के लिए मैदान में विराट कोहली जरूर आए थे, लेकिन हाथ केवल उनके भी निराशा ही लगी। लगभग 12 से 13 बार अर्धशतक जड़ने वाले विराट कोहली से इस बात की अपेक्षाएं थी कि वह आते ही बड़े शॉट्स लगाएंगे, लेकिन वो तो स्पिनर गेंदबाज आदिल राशिद का ही शिकार हो गए और शून्य पर आउट हो गए। आपको बता दें दोस्तों कि विराट कोहली के शून्य पर आउट होने का असर इस कदर भारत पर पड़ा कि बैक टू बैक विकेट गिरते चले गए। लेकिन इसी बीच मैदान में आए ऋषभ पंत, जिन्होंने पूरे मुकाबले का रुख ही बदल कर रख दिया। लगातार विकेट ले रहे जोफ्रा आर्चर अब जैसे ही पंत के सामने आए तो पारी के चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर पंत ने उन्हें एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। इतना ही नहीं, अगली गेंद पर भी पंत ने लगातार चौका जड़ के अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लग रहा था कि भारतीय टीम अब बल्लेबाजी में सॉलिड कमबैक करेगी कि तभी धवन भी अपना विकेट गवा बैठे। मार्क वुड की एक तेज सर्रार गेंद पर धवन भी 4 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। अब बल्लेबाजी का सारा दारोमदार ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ चुका था और फिर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, चौके और छक्कों की बरसात करते हुए अय्यर और पंत ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। केसी बीच टीम को एक और बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें दोस्तों कि एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत आखिरकार 21 रन पर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें दोस्तों कि बेन स्टॉक्स की एक गेंद पर अब वो मैदान में डीप स्क्वायर लेग की तरफ से छक्का जड़ना चाहते थे, लेकिन जॉनी बेस्टो ने उनका कैच पकड़ के उन्हें पवेलियन भेज दिया। अब मैदान पर थे T20 के बादशाह हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर, और पारी के 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी बल्लेबाजी का गियर बदलते हुए बेन स्टॉक्स के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। इस ओवर की चौथी गेंद पर पांड्या ने लॉन्ग ऑफ की तरफ से एक ऐसा छक्का जड़ा कि बेन स्टॉक्स के होश उड़ गए थे, और अगली गेंद पर पांड्या ने मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए केवल बल्ले को जरा सा खोलकर गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करके उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और 2 गेंद में 10 रन जड़ दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगले ही ओवर में जिसे डालने आए थे गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, उन्हें भी इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक श्रेयस अय्यर ने लगातार 2 चौके जड़कर सारा प्रेशर इंग्लैंड के कंधों पर लाद दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आगे चलकर मात्र 36 गेंदों में अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा किया और लगातार चौके और छक्के जड़ते चले गए अपनी टीम के लिए। यहां तक कि पांड्या की भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा सबको देखने को मिला। पांड्या भी तूफानी बल्लेबाजी करते चले गए और इन दोनों खिलाड़ियों के तूफान की ही बदौलत हमारी टीम का स्कोर लगभग 150 के पास जा पहुंचा। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या और अय्यर की इसी शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर। लेकिन उससे पहले ही भारतीय टीम के फैंस को एक तगड़ा झटका लगा है टॉस के दौरान। दोस्तों, जब टॉस हुआ तो टॉस को जीता इंग्लैंड की टीम के कप्तान इयोन मॉर्गन ने, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टॉस को हारने के बाद विराट कोहली का यही कहना था कि अगर वह टॉस जीतते भी तो ज्यादा चांसेस थे कि वह गेंदबाजी को ही चुनते। आपको बता दें कि टॉस के दौरान ही विराट कोहली ने इस बात को भी मेंशन किया कि ड्यू इस मैदान पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सेकंड इनिंग्स में आपको बल्लेबाजी करते समय ड्यू भी मिलेगी। हालांकि हमारी टीम की प्लानिंग ज्यादा उस डायरेक्शन में थी कि अगर मैदान पर ड्यू है तो